जिला बिलासपुर सीमा के पास लगते डहर उप तहसील के साथ बहती सतलुज नदी में एकाएक पानी बढ़ने के साथ ही सतलुज तट किनारे घूमने के बिलासपुर जिला के 3 युवक पानी के बीचों बीच फंस गए, जिन्हें 3 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद प्रशासन और पुलिस व स्थानीय लोगों की सहायता से सकुशल बचाया गया। इस दौरान SDM द्वारा BBMB और NTPC विद्युत परियोजनाओं से दूरभाष पर पानी बंद करवाया गया। 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जब पानी का बहाव और जल स्तर कम हुआ तब पुलिस के जवान और स्थानीय लोगों द्वारा युवकों को ट्रायल से निकालकर सुरक्षित स्थान पर लाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले के 3 युवक डहर क्षेत्र के अलसु गौ सदन के साथ लगते रास्ते से सतलुज के छिले कम पानी में प्रचंड गर्मी से राहत पाने और मौज मस्ती करने हेतु नदी के बीचों बीच स्थित पत्थरों और बजरी पर जा बैठे। सतलुज नदी पर स्थित दोनों परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन के बाद एकाएक भारी मात्रा में पानी छोड़ने के बाद सतलुज नदी के बीच मस्ती कर रहे युवकों के दोनों ओर भारी मात्रा में पानी आ गया, जिससे वे तीनों सतलुज की प्रचंड तेज धार लहरों के मध्य जीवन और मौत के बीच फंस गए। मौत को सामने देख चीखने चिल्लाने पर साथ लगते गौ सदन में काम कर रहे लोगों ने फौरन सभी युवकों को नदी के बीच बने पत्थरों के बड़े टीलों पर चढ़कर पानी कम होने का इंतजार करने की हिदायत दी, जिसके बाद युवकों द्वारा भी ग्रामीणों की बात मानकर ऊंचे टीले पर जा बैठे। इस हादसे की भी स्थानीय लोगों द्वारा डेहर पुलिस और प्रशासन को जानकारी दी, जिस पर थाना प्रभारी गुरवचन सिंह डेहर पुलिस चौकी के जवान व SDM सुंदरनगर राहुल चौहान ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। इस दौरान SDM सुंदरनगर द्वारा BBMP और NTPC विद्युत परियोजनाओं से दूरभाष पर पानी बंद करवाया गया। 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जब पानी का बहाव और जल स्तर कम हुआ तब पुलिस जवानों और स्थानीय लोगों द्वारा युवकों को बाहर निकाला गया। तीनों युवकों की पहचान कमलेश कुमार पुत्र जीत राम गांव लाखड़ डाकघर बरमाना तहसील सदर जिला बिलासपुर, मोहित शर्मा पुत्र मोहिंदर नाथ गांव चंगर प्रयास सनी डाकघर कोठीपुरा तहसील सदर जिला बिलासपुर, संजीव कुमार पुत्र रूपलाल गांव लाघट डाकघर बैरी राजिंदिया तहसील सदर जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों युवकों के बयान कलमबंद करके उन्हें घर भेज दिया गया। बताते चलें कि इसी स्थान पर 2 वर्ष पहले भी एकाएक पानी बढ़ने के कारण एक युवक की मौत हो चुकी है और इस वर्ष भी नदी में पानी के एकाएक बढ़ने के साथ पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा अब तक की दूसरी घटना है जिसमें सतलुज में फंसे लोगों की जान बचाई गई है। लेकिन आज दिन तक स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए दोनों विद्युत परियोजनाओं द्वारा पानी छोड़ने से पूर्व चेतावनी देने हेतु कोई भी सायरन अथवा हुटर क्षेत्र में स्थापित नहीं किया गया है। इसकी लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। 3 लड़के जो लगभग 25 साल से नीचे हैं वो सतलुज नदी के बीच में फंस गए हुए हैं क्योंकि एकदम से पानी का बहाव बढ़ गया था, जिसके लिए स्थानीय लोगों की मदद से तथा NTPC तथा BBMB जिनसे हमने ऊपर से पानी रुकवाया, जिसकी वजह से पानी कम होने की वजह से हम इनको निकाल पाए हैं। इन 3 लड़कों के नाम कमलेश कुमार, मोहित शर्मा तथा संजीव कुमार हैं, जो तीनों बिलासपुर जिला के रहने वाले हैं।